फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर लड़ाई काफी रोचक इस वक्त बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अक्षय यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से यहां के कैंडिडेट हैं। अक्षय जी, ये लगातार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये लड़ाई लोकल बनाम बाहरी है, आपको बाहरी माना जा रहा है, उनकी तरफ से इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, जबकि आप यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं वो अज्ञानी हैं। यहाँ पे इटौली गांव है, वहाँ से हमारे जो दादा हैं, पूर्वज हैं, वहाँ वो यहाँ से जाके सैफई में बसे और उसके बाद यहाँ से नेताजी भी विधायक रहे हैं सुकावाद से, और मुझे 2014 में फिरोजाबाद की जनता ने सांसद भी बनाया। मेरा आवास भी यहाँ पर सुकावाद में है और लगातार मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। और जो जानते नहीं हैं वो बिल्कुल अज्ञानी लोग जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके की बात कह के आखिर बीजेपी इस चुनाव को किस मोड़ पर ले जाना चाह रही है? देखिए, बीजेपी को जो नेता हैं और बीजेपी के लोग हैं, झूठ बोलते हैं, जुमला छोड़ते हैं, और यही जुमले की वजह से आज देश की ये हालत है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है और गरीब होता चला जा रहा है, और झूठ बोलने के अलावा भाजपा के लोगों के पास कोई दूसरी चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं? आप अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, क्षेत्र में जिन जिन इलाकों में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती किस हिसाब से इस पूरे इलाके में देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद में बहुत मजबूत है। जो हम लोगों का आकलन है, जिस दिन हम लोगों ने नॉमिनेशन करा था उस समय भाजपा का प्रत्याशी यहाँ पर नहीं था। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 2 लाख वोटों से हम लोग यहाँ चुनाव जीत रहे हैं उस समय, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी के आने के बाद वो 2 लाख से 4 लाख में कन्वर्ट होगा, ये हम लोगों को यकीन हो गया है। और जब वोट पड़ेंगे, खुलेंगे 4 जून को, तो ये ऐतिहासिक जीत फिरोजाबाद और पूरा उत्तर प्रदेश देखने का काम करेगा। बीएसपी ने यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है, इस तरीके की चर्चा हो रही है कि वो अगर यहाँ पर चुनाव सही तरीके से लड़ रहे हैं तो वोट काटने का काम करेंगे। अब किसका काटेंगे ये देखना होगा। जी बिल्कुल सही आपने बात कही है, वो चुनाव लड़ने और बीजेपी के एजेंट के रूप में चुनाव लड़ने, ये भी हम लोग मानते हैं। पिछली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको 2400 कुछ वोट मिला था, नोटा में 6000 वोट पड़ा था। और ऐसे प्रत्याशी को अगर बसपा चुनाव लड़ा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग हुई है, ये अंदेशा हम लोगों को लगता है। यहाँ पर आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब भी कोई रैली उत्तर प्रदेश में करते हैं तो राहुल गांधी अखिलेश यादव को शहजादे कह करके पुकारते हैं, तो ये क्या लग रहा है? क्या कुछ इस तरीके का कि जो वोटर है, साइलेंट वोटर जिसकी बात चल रही है, उसको लेकर के इस तरीके की बातें हो रही है? देखिए, कल जिस तरीके का प्रधानमंत्री जी का भाषण और बयान आया, उससे ये साबित होता है जो पहले चरण के वोट पड़े हैं उसमें भाजपा पूरी तरीके से हार रही है, और वो बौखलात उनके भाषण में हम लोगों को सुनने को मिली है। शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।